मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को पनीर पसंद है, अगर पनीर पसंद है तो ये वाली रेसिपी एक बार बना के जरूर ट्राई करना। सो ऑयल डाला, जीरा, उसी के साथ थोड़े से खड़े मसाले, खड़े मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे अनियन और उसी के साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद उसके अंदर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डाल के उन्हें सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसके अंदर डालना है टमाटर और उसी के साथ कैश्यू नट्स और थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन बंद करके उसे 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। साइड पे मैंने थोड़ा सा पनीर क्यूब्स के अंदर कॉर्नफ्लावर डाला और उसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर आने तक उसे फ्राई कर लिया और उसके बाद वो जो ठंडा पड़ा हुआ मिक्सर लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्सी जार के अंदर पीस लेंगे और ऑयल डाल के उसको पैन के अंदर डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी करनी है तो वो पानी डाल के कर सकते हो। फिर उसके बाद कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रीम और वो जो पनीर के क्यूब्स है वो रख लेंगे। सो कहा था ना सिंपल है। सो बनाना, खाना और एक बार ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।